हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। और आप लोगों के लिए फिर एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी भी अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भाई लोग सब्सक्राइब कर देते हैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोग आगे भी कर देंगे उन लोगों के लिए शुक्रिया। और अब आज की जानकारी क्या है कि कुवैत में जो पहले से शुरू से इतने दिन से हो रहा था कि आदमी अपना वीज़ा लेकर के सून का या खादिम का बाहर में काम करते थे, तो उन लोगों के लिए अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स और खड़ी होने वाली हैं। कि जैसा मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से क्या है कि जो ये फर्जी कंपनियां थी, अभी तो क्या है कि बहुत से लोग, जैसे आप मान लो फिंगर कराने गए हो, अपना बायोमेट्रिक कराने गए हो, वहाँ पर अगर आपका कुछ भी कंपनी फर्जी पाई जाती है तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो उसके मामले में आज एक अपडेट आया है कि कुवैत सरकार ने एक ऐसी मतलब एक डाटा इकट्ठा किया है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है या जिन लोगों को साफर भेज दिया गया है, तो उनके जो स्पॉन्सर थे उनका डाटा कलेक्ट किया गया है। डाटा कलेक्ट करने के बाद में क्या इसका निष्कर्ष, अभी ये निकाला जा रहा है कि जो भी स्पॉन्सर थे या जो स्पॉन्सरशिप कंपनियां कर रही थी, जो वीज़े का धंधा कर रही थी, जो अवैध है, इलीगल है, उन कंपनियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनकी जितनी भी फाइलें हैं वो फाइलें बंद कर दी जाएंगी। अब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ मिलकर उन लोगों का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है जिन लोगों को या तो चेकिंग में पकड़ा गया था या किसी और कारण से उनको यहाँ से निर्वासित कर दिया गया है। तो अब क्या होगा, उन लोगों के स्पॉन्सर का, उनको काम पर रखने वाले जिन लोगों को, जो उन लोगों को काम पर रखते थे और जो स्पॉन्सर थे जो गलत तरीके से इधर उधर कंपनियों में काम करते थे, उनको सबको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। और जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के जो है ये वीज़ा ट्रेडिंग का काम जो बंद किया जा सके, मंत्रालय ने इसकी फाइलें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी और उन पर कानूनी सजा भी होगी और उनके ऊपर में जो है कानूनी कार्रवाई करके उनकी फाइलें बंद करके और उनको हो सकता है सजा का भी ऐलान हो और फाइन भी किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का मंत्रालय का साफ कहना है कि अवैध वीज़ा के कामों पर रोक लगाएगी, जिससे क्या होता है कि बहुत से लोग जो पकड़े गए हैं ना, तो उन पकड़े गए लोगों में बहुत से लोग ऐसे थे जो दो दो तीन तीन चार चार साल से काम ही नहीं कर रहे थे। तो पहली तो चीज़ ये है कि काम ही नहीं अगर लोग कर रहे थे तो लोग यहाँ पर रह रहे थे, तो इसका मतलब वो लोग मुसीबतों का सामना कर रहे थे। तो इन लोगों के लिए, इसके लिए कि गवर्नमेंट के विचार में आया है कि इन लोगों को मतलब ये वीज़ा ट्रेडिंग का काम है उसको बंद करना पड़ेगा। अब जो है क्या है, दूसरा एक और है जो एक या न्यूज़ में बहुत ही ट्रेंड में चला था कि जो 18 नंबर वाले वीज़ा हैं उनका 19 नंबर में कन्वर्ट करना कराना जरूरी होगा। तो सरकार ने सभी को आश्वासन दिया है कि इनके उसकी समीक्षा की जाएगी, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्या है कि इनको सबको आना आर्टिकल 19 के तहत ही पड़ेगा, लेकिन उनके भी जो लाइसेंस हैं वो वैध हैं, कोई किसी का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया है। बस उनको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जो भी है उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरा किया जाएगा, किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी अभी क्या है कि एयरपोर्ट को लेकर के आई है कि एयरपोर्ट में सामान को लेकर के जो निःशुल्क ट्रॉलियाँ मिलती थी उसका शुल्क आधारित मतलब पोर्टर के हिसाब से आपको जो है वो पैसा देना पड़ेगा। अभी क्या होता था कि पहले जो है DGCA ने आने वाली यात्रियों की ट्रॉली और उसका सामान हैंडलिंग सेवा को पुनर्गठित करने का निर्माण किया है, जिसके निर्णय के अनुसार यात्री बिना कुली की मदद से मुफ्त में ट्रॉली का उपयोग, अगर आप पोर्टर को नहीं लेते हो तो आप बिना उसके कोई चार्ज नहीं देना है। दूसरी बात है कि अगर आपको आवश्यकता है उसकी, तो एक छोटी ट्रॉली के लिए आपको 1 दिनार देना पड़ेगा और अगर आप बड़ी ट्रॉली लेते हो तो उसके हिसाब से आपको 2 KD देना पड़ेगा। कि इसके अलावा बदलाव यात्रियों द्वारा व्यक्त किए गए असंतोष को दूर करना है, क्योंकि कर्मचारी जो है, जो पोर्टर लोग थे वो ज़्यादा पैसा मांगते थे, इसलिए ये क्लियर किया गया है कि छोटी ट्रॉली का 1 दिनार है और बड़ी ट्रॉली का जो है वो 2 दिनार है, इससे ज़्यादा नहीं देना है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो और अभी बाकी और एक मजदूर को लेकर के खबर आई है जिसको घरेलू काम करने के लिए लाया गया था, लेकिन उसको ऊँट चराने के लिए रेगिस्तान में डाल दिया गया, तो उसने सोशल मीडिया पर वीडियो बना के इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाई है। तेलंगाना का रहने वाला था वो, तो उसकी अभी जो है सोशल मीडिया साइट पे जो है इंडिया के जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने सबने आश्वासन दिया है कि तुमको जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करके यहाँ से निकाला जाएगा। तो भाई लोग, अगर किसी को भी कोई तकलीफ है कुछ है तो आप अपने इंडियन गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसने किसी की मदद से वीडियो बना करके डाला था सोशल मीडिया पर, तो उसका वीडियो वायरल होने के बाद में
गवर्नमेंट एक्शन में आई है और एक्शन में आने के बाद में कुवैत गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट किया है, तो उसको 51 साल का बुजुर्ग आदमी है, उसको रेगिस्तान में ऊँट चराने के लिए छोड़ दिया गया था, तो रो रहा था बेचारा, उसने सोशल मीडिया पर जो है उसको अपना वीडियो पोस्ट किया था। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ में, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।